नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की रणनीति पर विचार करने के लिए मंत्रियों के साथ बैठक की। बता दें कि सोमवार से शुरू हुए मॉनसून सत्र में विपक्ष पहले दिन से ही हमें हंगामा कर रहा है, जिसके कारण कार्यवाही बाधित है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं विपक्षी पार्टियां महंगाई और GST को लेकर आज भी हंगामा करते नजर आईं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। LG विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्सरसाइज पॉलिसी के खिलाफ CBI जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार पर नई आबाकारी नीति के तहत शराब की दुकानों में टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। नई आबाकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर देने की बात कही गई है। अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां कांग्रेस नेता अजय सिंह ने राहुल के बयान पर सवाल पूछने पर कहा कि जिन क्षेत्रों में महापौर प्रत्याशी हारे उन क्षेत्रों के विधायकों और जिला अध्यक्षों पर क्या कार्रवाई होगी। कमलनाथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्रवाई करना या ना करना उनका अधिकार है। और रीवा में कांग्रेस के महापौर चुने जाने पर अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस संगठन काफी मजबूत हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन के मजबूत होने से फायदा मिलेगा। भोपाल मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। देश भर में क्रॉस वोटिंग हुई है, यह इस बात का प्रमाण है कि पूरी विपक्षी एकता खंडित हुई है। BJP और NDA ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका कांग्रेस ने विरोध किया है, उससे पूरे देश में आदिवासी समाज कांग्रेस से नाराज है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है, वह सिर्फ वोट पाने के लिए आदिवासियों का शोषण करती रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। देश के सभी सांसद और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के दौरे पर आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनजातीय समाज के गौरव द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक मतों से राष्ट्रपति चुना है। देश की 130 करोड़ जनता ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का स्वागत किया है। स्वयं भी प्रदेश की सभी जनता की ओर से ऐतिहासिक निर्णय पर भारत की पहली जनजातीय वर्ग के राष्ट्रपति को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया है। द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया तो पूरा देश उत्साहित था। उन्होंने कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेसियों ने आरोप लगाने का काम किया है।
हरिद्वार की शिवालिक नगर बीच बाजार में सार्वजनिक तरीके से नमाज अदा करने पर 8 लोगों को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी अमरचंद ऊपर कर देना जरा। हरिद्वार की शिवालिक नगर बीच बाजार में सार्वजनिक तरीके से नमाज अदा करने पर 8 लोगों को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा ने बताया कि सभी लोग दुकानदार थे और पीठ में सामान बेचने के आए थे। शांति व्यवस्था को देखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शासन प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर खुली में नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का मामला सामने आने से कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ये बात है, अभी जब कल परसों बारिश का मौसम था तो ये लोग आम लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, ये यहाँ पे पीठ बाज़ार में अपनी फेरियाँ लगाते हैं। तो बारिश होने की वजह से उस दिन इन लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग यहीं पे ही नमाज़ पढ़ लेते, तो उन्होंने वहाँ दरी बिछाई और उस पर नमाज़ पढ़ने लगे। तो वहाँ पर जो आम जनता थी उनको उनके इस कृत्य से थोड़ी आपत्ति हुई, इसकी वजह से उन्होंने ये सूचना हम लोगों को दी। अब क्योंकि कांवड़ का टाइम है और ऐसे सार्वजनिक स्थल पर आपको ऐसे हरकतें या ये वाली जो इनकी थी ये दूसरों को आपत्तिजनक लगी, इस वजह से हमने इनके ऊपर 151 की कार्रवाई करी और इनको एक दिन के लिए हमने जेल भेजा, बाकी कल इनकी बेल हो गई थी। ये बात है, अभी जब कल परसों बारिश का मौसम था तो ये लोग आम लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, ये यहाँ पे पीठ बाज़ार में अपनी फेरियाँ लगाते हैं। तो बारिश होने की वजह से उस दिन इन लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग यहीं पे ही नमाज़ पढ़ लेते, तो उन्होंने वहाँ दरी बिछाई और उस पर नमाज़ पढ़ने लगे। तो वहाँ पर जो आम जनता थी उनको उनके इस कृत्य से थोड़ी आपत्ति हुई, इसकी वजह से उन्होंने ये सूचना हम लोगों को दी। अब क्योंकि कांवड़ का टाइम है और ऐसे सार्वजनिक स्थल पर आपको ऐसे हरकतें या ये वाली जो इनकी रानीपुर पुलिस एसओजी और एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो शराब तस्करी के साथ अब स्मैक तस्करी के धंधे में भी सक्रिय था। पुलिस ने तस्कर राजा के साथ 4 लोगों को लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। निहारिका सेमवाल सीओ सदर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एसओजी हरिद्वार को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोतवाली रानीपुर के सैलमपुर इलाके में रहने वाला शराब का बड़ा तस्कर राजा अब स्मैक की तस्करी का कारोबार कर रहा है। सूचना के बाद एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के साथ इन शातिर नशे के सौदागर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में विधायक मयूर जीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में निशुल्क पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर सल्ट विधायक मयूर जीना ने बताया कि गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, थायराइड,
संक्रमण खून से संबंधित सभी प्रकार की निःशुल्क जांच की जाएगी। पहले इस तरह की जांच ग्रामीणों को काफी महंगी पड़ती थी, जिसे देखते हुए सरकार ने चंदन लैब के साथ अनुबंध किया ताकि ग्रामीणों को आसानी से इलाज मिल सके। अस्पताल में हमारे जो क्षेत्र में पहले जो ब्लड टेस्ट होते थे उनके पैसे देने पड़ते थे और कुछ टेस्ट यहाँ होते भी नहीं थे, लेकिन आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उन्होंने क्षेत्र में ये सुविधा दी है कि 250 टेस्ट जो है जनता के फ्री हो रहे हैं। इसमें हमारा KFT है, LFT है, लिपिड प्रोफाइल है, कोई अन्य कोई भी एलर्जी है उसके सभी टेस्ट यहाँ पर हमारे इस अस्पताल में ही होंगे। देघाट से हल्द्वानी जा रहे एक कैंटर से 270 टीन अवैध लीसा बरामद हुआ है। SOG और पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लीसे की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि तस्कर ने कैंटर में फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई गई थी और देवघाट से मैदानी क्षेत्र को अवैध तरीके से लीसा ले जाने की सूचना मिलने पर SOG और पुलिस टीम सतर्क हो गई। तलाशी के दौरान 270 टीन अवैध लीसा बरामद किया गया। चौकी इंचार्ज मदन मोहन जोशी ने बताया कैंटर को रिजवान अहमद चला रहा था। कैंटर पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी जबकि कागजों की जांच में कैंटर का नंबर अलग था। IPC की धारा 420 में केस दर्ज कर आरोपी रिजवान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में SDM गौरव पांडे के नेतृत्व में ग्राम पंचायत गेठिया में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में बिजली पानी की समस्या को मुख्य रूप से चुना गया। SDM गौरव पांडे ने विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही SDM गौरव पांडे ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। स्तर पर भ्रमण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत गेठिया का भ्रमण रखा गया था, जिसमें राजस्व विभाग के अलावा बिजली व पानी से संबंधित जो समस्याएं हैं वह मुख्य रूप से आई। तो मौके पर ही जो संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए, वह जो विभाग मौके पर उपलब्ध नहीं थे उनको फोन के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जो समस्याएं हैं उनको तत्काल निस्तारित करें। अल्मोड़ा में मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों को बीमारियों की चपेट में ले लिया है। बता दें कि बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल की OPD में 417 मरीज देखे गए। मौसम के लगातार बदलने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट दर्द की परेशानियां मरीजों में अक्सर देखने को मिल रही हैं। जिला अस्पताल में 417 और महिला अस्पताल में 82 मरीज उपचार कराने पहुंचे। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में राणा धारू परिषद के बैनर तले आक्रोशित थारू जनजाति समाज के लोगों ने एकजुट होकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोतवाली प्रभारी और SDM खटीमा को ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर रावत के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि थारू जनजाति समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि थारू जनजाति के लिए अपमानजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा लिखित किताब उत्तराखंड का समय राजनीतिक इतिहास में थारू जनजाति के खिलाफ कुछ अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। आज अजय रावत जी ने जो हमारे समाज के लिए जो लिखा है, इससे पूरे समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है और हम पूरा समाज इनकी निंदा करते हैं और इनको ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई किसी वर्ग के लिए ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे उनके समाज को ठेस पहुंचे, और हम तो चाहते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो।
के समुदाय के लोग मेरे पास आए थे, द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टर अजय रावत उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उसमें कुछ थारू जनजाति के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे शोभित दुखी होकर ये लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन हम उचित माध्यम से वहाँ पहुँचा रहे हैं। आज अजय रावत जी ने जो हमारे समाज के लिए जो लिखा है, इससे पूरे समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम पूरा समाज इनकी निंदा करते हैं। और उनको ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई किसी वर्ग के लिए ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे उनके समाज को ठेस पहुँचे, और हम तो चाहते हैं उनके खिलाफ़ कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो। समुदाय के लोग मेरे पास आए थे, उनका द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टर अजय रावत उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उसमें कुछ थारू जनजाति के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे शोभित दुखी होकर ये लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन हम उचित माध्यम से वहाँ पहुँचा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार।